2006 में मैंने ट्विटर ज्वाइन किया. उस वक्त इंटरनेट इंडिया में शुरू ही हो रहा था और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी क्योंकि नई चीज़ थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था. तो नए नए प्लेटफॉर्म आते थे, एक कम्युनिटी सी बन गई थी. याहू पे ईमेल आते थे कि हमने कोई नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, आप इसको ज्वाइन करिए और हमें फीडबैक दीजिए कि ये कैसा है. तो इसी तरह ट्विटर का भी मुझे एक ईमेल आया था. उस टाइम इसका नाम हुआ करता था TWTTR, अभी स्पेलिंग डिफरेंट हो गई है. तो मैंने सोचा कोई नया प्लेटफॉर्म आया है, साइन ऑन करके देख लेते हैं. तो मैंने साइन अप कर दिया था और तुक्के से ही ज्वाइन किया था, ऐसा कोई प्लान नहीं था. मुझे नहीं पता था कि आगे जाके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा. मुझे मालूम है कि मैं इंडिया की फ़र्स्ट ट्विटर यूज़र हूँ, मैं फ़र्स्ट इंडियन हूँ जिसने ट्विटर पे अकाउंट बनाया था. लेकिन ये मुझे काफ़ी सालों बाद पता चला. मतलब मेरे हिसाब से तो ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि मेरी कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं है, ये तुक्के से हो गया. ये बात करने में अच्छा लगता है, चर्चा होती है कि अरे आप ट्विटर पे पहले इंडियन हैं, तो बात करते टाइम अच्छी चीज़ है. पर मुझे नहीं लगता कि ये बायो पे मेंशन करने वाली कोई बात है क्योंकि मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, गलती से हो गया ये. तो उस हिसाब से फिर मैंने ठीक नहीं समझा कि इसको मेंशन करना चाहिए. पता भी मुझे ऐसे चला था कि किसी और ने, आई थिंक USA में रहते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि ट्विटर के पहले 140 यूज़र और उस यूज़र्स के लिस्ट में मेरा नाम था. तो मुझे खुद नहीं पता था, वो देख के मुझे समझ में आया कि मैं पहली इंडियन हूँ जिसने ट्विटर पे साइन अप किया. पहले के ट्विटर में और आज के ट्विटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. पहले मुझे ऐसे लगता है कि कम्युनिटी बहुत क्लोज निट हुआ करती थी, आप लोगों से बातचीत कर सकते थे खुल के. मतलब हम रोज़ की आम दिन की बातें करते थे कि आज क्या हुआ, कोई नई चीज़ सीखने को मिलती थी तो उसके बारे में बात करते थे. इतना वो नहीं था कि कौन हमारी ट्वीट्स पढ़ रहा है. आजकल मुझे लगता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर ट्विटर पे पोस्ट करते हैं. और मेरा तो ट्विटर यूज़ करना काफ़ी कम हो गया है. अभी भी मैं अगर करती हूँ तो ज़्यादातर सिर्फ काम से काम रखती हूँ, लोगों से ज़्यादा बातचीत होती नहीं है. कुछ पुराने दोस्त हैं जिनको मैं ट्विटर पे मिली थी और फिर रियल लाइफ में भी मिली हूँ, उनसे थोड़ी बहुत कभी बातचीत होती है. पर काफ़ी चेंज हो गया है, इतने सारे लोग आ गए हैं, बॉट्स आ गए हैं, समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है प्लेटफॉर्म पे. ट्विटर आज जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फीचर है. पहले ट्विटर का एक ही मकसद हुआ करता था कि 140 कैरेक्टर, उसमें आपको जो बोलना है, इतने लोग हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, दैट्स इट. उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता था. और अब तो आप फोटो, वीडियो, स्पेसेस, कम्युनिटीज़, मैं ये कहूँगी कि मुझे तो सच में मालूम ही नहीं है कि कितने सारे फीचर हैं ट्विटर पर.